हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अरबाब शकील। और आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है भाई, क्योंकि कुछ 2-3 महीने पहले मैं गया था लाहौर और किसी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल सका। तो अब क्योंकि मैं व्लॉग डाल रहा हूँ, तो आपको ये व्लॉग ज़रूर ज़रूर देखना है और बहुत सारा एंजॉय होगा इसके अंदर। तो चलो आओ व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। हाँ तो दोस्तों, अब हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है कराची टू लाहौर का। ठीक है भाई, कराची टू लाहौर का सफ़र स्टार्ट हो गया और हमारे साथ कुछ है भाई। दानियल कहाँ है? दानियल, दानियल तुम्हें बोला है ना मैंने, मेरे सामने जब आया करो लिपस्टिक लगा के आया करो, लिपस्टिक लगा के आया करो। हाँ तो जी, ये मजाक मस्ती तो होते रहेगी। और दूसरा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये ट्रेन का सफ़र होने वाला है बहुत ज़्यादा लंबा। देख तो लिया होगा आपने, तो भाई ये बहुत ज़्यादा सफ़र लंबा होने वाला है और इसको हम करेंगे शॉर्ट। शॉर्ट किस तरह करेंगे? अरे हमारे यार दानियल, वो जल्दी नहीं आ गए हम लोग लाहौर। भाई लाहौर जो इतनी जल्दी आ गए हैं, तो इतनी जल्दी नहीं आए, तो हम आपको दिखाते हैं कि कितनी मुश्किलात के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। तो चलो आप फिर वो देखो, ठीक है। Explore Lahore with our bad brothers universe. हाँ तो जी, अब हम आ गए हैं, पार्किंग पे हमने गाड़ी लगा दी है। और दूसरी बात, बाइक है सारी की सारी रेड कलर की है, बड़ा मुश्किल है अपनी बाइक को पहचानना, क्योंकि ये सारी की सारी होंडा है। और यहाँ पे जितने भी लोहरी हैं, बस सबसे पूछ लो भाई कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी बाइक लेनी है, इतनी सारी होती हैं यहाँ पे। हाई स्पीड हो गई और क्या नाम है, सुपर पावर हो गई, सुपर प्लस हो गई, नहीं, इन सबों ने सिर्फ सिर्फ होंडा लेनी है। इनसे पूछो ना कि भाई कौन सी गाड़ी पसंद है, क्यों लेते हो भाई, कुछ नहीं बोलते, बस एक ही अल्फाज बोलते हैं, ऐसी तो होंडा ही लेता सारे भाई। होंडा 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 हर जगह होंडा होंडा होंडा। वाकई में बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बाइक है। ओए होए, रश भाई, रश भाई, बहुत रश हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही रश हो रहा है। पता ही लगा है कि यहाँ पे कोई जलसा वगैरह हो रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी है। तो कोशिश करेंगे कि हम जल्दी अंदर जाएँ और जल्द से जल्द मीनार पाकिस्तान पहुँचें और आपको मीनार पाकिस्तान दिखाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं। हाँ तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह मीनार पाकिस्तान आ गए। हिस्ट्री इसकी बताऊंगा, पाकिस्तान बनने की जब इब्तदा हुई थी, तो इब्तदा करते के साथ ही भाई 23 मार्च को मीनार पाकिस्तान बना था, मीनार पाकिस्तान बना था। और ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन था, तो इसी वजह से यहाँ पे लोग आते भी हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जलसा भी होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे पहली जगह है जहाँ पे पाकिस्तान इख्तियार में आया था, जहाँ पे पता चला था कि पाकिस्तान अब बनेगा और सारे मुसलमान एक ही जगह आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। दूसरा, ये मीनार पाकिस्तान भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ठीक है ना। और यहाँ पे जलसा भी हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ ज़रा ख़राब हो रही होगी। अब हम आगे जा रहे हैं बादशाही मस्जिद जा रहे हैं अभी इस वक्त अभी हम, और अभी आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें कि आगे क्या क्या होता है, ठीक है ना। ओए होए भाई, बहुत ज़्यादा रश है। एक तो आप समझ लो इतवार का दिन समझ लो, और दूसरा जलसा भी है, जलसे की वजह से भी बहुत ज़्यादा रश है। हाँ तो दोस्तों, सामने बादशाही मस्जिद और उसके बिल्कुल सामने शाही किला, बिल्कुल सामने शाही किला है। तो अभी हम इस वक्त बादशाही मस्जिद के अंदर जाएंगे और फिर उसके बाद जाएंगे शाही किला, ठीक है ना। उसके बाद शाही किला जाएंगे तो आपको हम दिखाते हैं, पहले हम चलते हैं बादशाही मस्जिद में। दानियल कहाँ गया भाई? दानियल भाई, मैंने आपको बोला है ना कि जब भी मेरे सामने आया करो तो आया करो, तो भाई दुपट्टा उपट्टा पहन के आया करो, मस्जिद जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ना करा करो भाई।
सुभान अल्लाह भाई, क्या जगह है माशाल्लाह भाई, मज़ा आ गया यहाँ पे आने के बाद। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ईद की नमाज़ बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे ईद की नमाज़ बहुत बड़ी होती है। और बादशाह मस्जिद जैसी पाकिस्तान में है बिल्कुल सेम टू सेम वैसी की वैसी इंडिया में भी है। तो भाई ये दो बेनिफिट हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के, ये दो जगह है ना, यहाँ पे जो बादशाह था उसने ये दो जगह बनाई थी बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ ऐसी की ऐसी इंडिया में भी है। तो आप देखें कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, सुभान अल्लाह। और अभी हम जा रहे हैं ज़ियारत पे, तो आपको ज़ियारत की जगह दिखाते हैं जहाँ पे कुरान शरीफ वगैरह हर चीज़ है। तो अभी हम वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। ज़ियारत कर लिए हमने, नहीं था मोबाइल यूज़ करना है, अंदर अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से हमने मोबाइल भी यूज़ नहीं करा। दानियल भाई मज़ा आया आपको? बहुत मज़ा आया। आपने क्या नाम है, कुरान शरीफ देखा वहाँ पे सोने के तार से लिखा गया था, और अल्लाह और रसूल आमने सामने लिखे गए थे, वो भी बिल्कुल सोने के तार से लिखे गए थे। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने यहाँ पर आने के बाद। और दूसरा अब अंधेरा होने वाला है, लाइटें ऑन हो रही हैं और ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है ये, देखें सुभान अल्लाह। तो अब नमाज़ का टाइम हो गया है, अब हम नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे। तो जब तक आप इंजॉय करते रहें, ठीक है। हाँ तो जी माशाल्लाह से हमने नमाज़ भी पढ़ ली है और बहुत मज़ा आया नमाज़ पढ़ने में, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। और दूसरी बात ये, अब हम शाही किला जाने के लिए तैयार थे, लेकिन शाही किला बोल रहे कि नहीं आओ, क्योंकि मेरे को जब देखना जब मैं दिन में हूँ, है भाई शाही किला बोले मुझे जब देखना जब मैं दिन में हूँ, रात में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला हम कल जाएंगे, कल विज़िट करेंगे शाही किला। दानियल भूख लग रही है? हाँ बहुत गर्मी, भूख लग रही है, खिलाओ कुछ। कुछ खिलाएं भाई, बर्गर वगैरह मंगवाया है अभी हमने, अंडे वाले बर्गर, कराची के तो बहुत मशहूर है अंडे वाले बर्गर। अब देखते हैं भाई यहाँ के बर्गर कैसे हैं, तो ज़रा चेक करते हैं कैसे हैं। ओए होए आ गए भाई अंडे वाले बर्गर, अंडे वाले बर्गर। दानियल खा के तो पता कैसा है? हाँ हाँ खा के बता, पहला बाइट तू ले, ये का क्या अंदर, ये भाई क्या कह रहा है, टेस्टी है? दानियल ने तो भाई पास कर दिया है, लाहौर वाले बर्गरों को पास कर दिया भाई दानियल ने। वाह मज़ा आ गया भाई चाय पी के। और दूसरी बात ये कि भाइयों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ जहामी भाई, अली भाई, आतिफ भाई और रमेश भाई, माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और भाई की नहीं मिल रही जाने हल यार, ये अच्छी बात नहीं है, कम से कम बाइक तो ध्यान रखोगे कहाँ पे लेके खड़ा हो जाते हैं। चलो भाई बाइक अभी हम ढूंढ रहे हैं, बाइक जैसे ही मिल जाती है तो बस अब हम जाएंगे घर पे, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय करेंगे, जब तक अभी आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया था हमने। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और भाई को इजाज़त दें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, इजाज़त दें।